सर आपकी स्टोरी हमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहाँ से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए एटलीस्ट नब्बे रुपये चाहिए थे जेब में चालीस रुपये थे कैसे घर जाते और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहेंगे अब बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तुम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहीं नौ दस बज रहा होगा घड़ी देखिए तो देखिए तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था वहाँ टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता तो इससे घबराना नहीं है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम ये वो ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहाँ पर आप अकेले नहीं है बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूं एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूं ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है मेरी एक खुद की थिंकिंग अगर हमको कोई सौ रुपए किसी काम के लिए दिया हम सबसे यही कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे दो का रिटर्न दे अगर कोई हमसे दो सौ रुपया फीस दे रहा है ढाई सौ दे रहा है तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने दस बीस हजार का पढ़ लिया यहाँ पर वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं और हमेशा अगर हम प्रॉमिस का करते हैं तो डिलीवर फोर एक्स करना चाहते हैं ध्यान ध्यान से से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपये भी लिया देखा जाए तो दो ढाई सौ रुपये कुछ भी नहीं होता है दो ढाई सौ रुपए कैसे उसको चार सौ रुपए की वैल्यू दू ये जो थिंकिंग है ना यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडिया रह जाता है आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए उसको डेवलप कीजिए जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं क्या बात है <laughs> आपके अंदर ना सर एक कभी छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर आना चाहता है कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ आ, कभी कभी देखिए एक चीज है संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है इस चीज को हमेशा संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं संगति का मतलब है संग संग गति तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी खराब में रहेंगे तो ये भी होता है बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगाए तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं आप <laughs> है। <laughs> 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 खान सर की एक क्लिप है ये समय और समझदारी में बहुत फर्क होता है अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीजें मतलब एन टाइम पर दिखे समझ रहे आप मेरी बात नहीं समझ नहीं जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए ज्यादा से ज़्यादा सीखने में खर्च कीजिए अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए तब राजा बने ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर है